नमस्कार, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से मना करने वाले गुजरात हाईकोर्ट के जज का ट्रांसफर कर दिया गया है। जी हां, न्यायमूर्ति हेमंत एम प्रच्छक का ट्रांसफर हो चुका है। हेमंत एम प्रच्छक वही जज है जिन्होंने मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि निचली कोर्ट ने सही फैसला सुनाया है और राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिलनी चाहिए। हालांकि वो बात अलग है कि राहुल गांधी को अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के इस फैसले पर सवाल भी उठाए थे। बता दें, हेमंत एम प्रच्छक के अलावा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने विभिन्न हाईकोर्ट के कुल 9 जजों का ट्रांसफर किया है, जिनमें से 4 जज सिर्फ गुजरात के हैं। गुजरात हाई कोर्ट के ही जस्टिस अल्पेश कोकचे, जस्टिस कुमारी गीता और जस्टिस समीर दवे का भी ट्रांसफर किया गया है। हेमंत एम प्रच्छक का पटना हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है, जबकि समीर दवे का राजस्थान, कुमारी गीता का मद्रास और जस्टिस अल्पेश कोकचे का इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो चुका है। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी केस की सुनवाई करके चर्चा में आने वाले जस्टिस हेमंत एम प्रच्छक आखिर कौन है? तो बता दें, जस्टिस हेमंत एम प्रच्छक गुजरात के पोरबंदर के रहने वाले हैं। हेमंत एम प्रच्छक 18 अक्टूबर 2021 में गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस बने थे। उन्होंने 2015 से लेकर 2019 तक केंद्र सरकार के स्थायी वकील के तौर पर भी काम किया है। इसके बाद ही उन्हें प्रमोट कर गुजरात हाईकोर्ट का जस्टिस बना दिया गया था और मोदी सरनेम मामले में सुनवाई करने को लेकर ही वो चर्चाओं में आए थे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।